पेरेंट्स, मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने कभी बचपन में अपने पेरेंट्स को परेशान किया है कि मेरे को सकल का बुम बुम वाले मैजिक पेंसिल दिला दो? यार मैं तो बहुत करता था, जब से वो टीवी शो देखा था तब से वो पेंसिल का फैन था मैं, और इतना डिस्परेटली मैं उस पेंसिल को चाहता था कि यार मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि जब तक मेरे को वो पेंसिल नहीं मिलेगा तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। यार उस मैटर में बहुत मार पड़ी, उसका बात हटाते हैं। अब वो पेंसिल वाला सपना तो पूरा हुआ नहीं, पर अब हमारी टेक्नोलॉजी उतना डेवलप कर चुकी है कि हम उस पेन का मजा अब ले सकते हैं बाय यूजिंग ये 3D पेन। तो चलिए अब देखते हैं ये पेन कैसे काम करता है और अनबॉक्स करते हैं इस पेन को। तो गाइस ये है हमारा 3D पेन, चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। तो फर्स्ट तो यार हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल कैसे हमें यूज करना है इस पेन को, खैर उतना आता है कि हम पहले खोल के देख चुके हैं। ये हमारा केबल, ये हमारा 3D प्रिंटिंग रिफिल है, और ये हमारा है सबसे मेन आइटम 3D पेन, और ये हमारा पेन का स्टैंड। सो यार बेसिकली यहाँ पे हमारा ये इंडिकेटर है, लाइट है, यहाँ पे इंडिकेट करता है कितना टेम्परेचर हुआ है। ये स्लो और फास्ट करने का दिया हुआ है, स्लो करना है और फास्ट करना है प्रिंटिंग में। और ये हमारा वायर को अंदर लेगा, प्रिंटिंग वायर जो रहे हमारा उसको अंदर और बाहर के लिए। चलिए अब यूज करके देखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जब ग्रीन लाइट आ गया है तो मतलब अब ये रिफिल अंदर लेने के लिए रेडी है। 190 पे ग्रीन लाइट आ गया है, अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो इसके थ्रू, देख रहे हो ये बटन जो दिया हुआ है उसके थ्रू आप बढ़ा भी सकते हो 93, 94, 95, 200 जितना आपको करना है। तो मैं 190 पे ही रखता हूँ, ये स्टैंडर्ड है। अब मैं इस रिफिल को अंदर डालूँगा, ठीक है। तो मेरे को प्रेस करना होगा इसमें ये बटन को, आप देख सकते हो डाउन डाउन करना है मेरे को, ये अब बाहर निकालने टाइम, ये अंदर करते टाइम। सो गाइज यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके पहले से रखा हूँ ताकि हमारा 3D ट्रायंगल अच्छे से बन सके। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रॉइंग गाइज। सो गाइज हमें पहले 3 2D ट्रायंगल बनाना होगा एंड देन तीनों को जोड़ना है एक 3D ट्रायंगल बनाने के लिए। चलो मैं इसे निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे निकालना है। इसको निकालना बहुत ईजी है, बस ये बटन क्लिक करना है हमें, बस ये अभी निकल जाएगा। Now my 3D triangle is ready. मैंने सोचा मैं ऐसा 3D triangle बना लूँगा, पर मैंने बनाया कैसा, ऐसा आप देख लो। मेरे को जितना आसान लग रहा था उतना आसान है नहीं 3D pen यूज करना। खैर छोड़ो, चलो अब घर बना के देखते हैं। Let's hope for the best guys, हमारा घर अच्छे से बन जाए। So first घर बनाने के लिए हमें 2D rectangle बनाना है एंड देन सारे रेक्टेंगल को जोड़ना है आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे। सो अब हमारा सारा 2D रेक्टेंगल तैयार हो चुका है, चलिए अब जोड़ देते हैं। अगेन मैंने सोचा ऐसा घर बनाऊंगा, पर मैंने ऐसा बना डाला। हेंस प्रूफ रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत फर्क होता है, रियली टफ वर्क यार, विदाउट प्रैक्टिस आप 3D पेन अच्छे से यूज कर ही नहीं सकते। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज एक लाइक कर देना,
और अच्छी नहीं लगी हो तो मेरे को पता है आप यहाँ तक देखोगे भी नहीं। अगर ये 3D पेन आपको खरीदना है तो मेरे एफिलिएट लिंक से ही लेना भाई, मेरे को भी कुछ कमीशन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।